देख सकते हैं आप सामने क्या खड़ी हुई है, रानी महारानी टेस्ला। तो ये टेस्ला का शोरूम ये जो हैरी है ये मजाक कर रहा है यहाँ पे भी हम फोटोग्राफी करेंगे इनके बाद, ये लोग पहले फोटोग्राफी करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज भी हमारे दिन का आगाज़ हो चुका है और जैसा कि हमने काफ़ी दिनों से आपको अपने साथ रखा हुआ है तो आज भी हम अपने साथ रखेंगे। पहले हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो हम कुछ पीने के लिए देखते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। यहाँ से हम जल्दी जल्दी जो है वो पीने के लिए कुछ देखते हैं। क्या पिए क्या पिए यार, ये कॉफ़ी बड़ी मज़े की है। ये क्या खुली हुई है क्या? सारी ऐसी है, ये देखें ऐसा लग नहीं रहा खुली हुई है। खैर इसको जल्दी से जो है हम रोकड़ा देते हैं, रोकड़ा फिर भागते हैं। तो शाओ वो आ रही है भागी हुई। कॉफ़ी जो है वो हमने ले ली है, अब हम जा रहे हैं सबवे स्टेशन की तरफ। अच्छा यहाँ का सबसे अच्छा सीन यही है, सिटीज़ हैं वो सबवे से कवर हुई भी होती हैं, तो सबसे अच्छा सीन ये होता है ट्रैवल का कि आप जो है सीधा भाग भाग के जो है सबवे पे जाओ, फिर आपको जिस भी दुनिया के कोने में जाना है ना, उस शहर के किसी भी दुनिया के कोने में जाना है, आपने अपनी सबवे ली और चलो मेरा भाई, शार्ट पाकिस्तान का नारा लगाया और गायब हो गया। तो अभी हम भी सबवे में जा रहे हैं, वहाँ से हमें कोई 3 लाइनें बदलनी है, तो हम जल्दी जल्दी भागते हैं फिर आपको जो है सबवे का मॉल दिखाते हैं। सबवे में हम आ चुके हैं, चेकिंग चेकिंग करा ली है यहाँ से, अब ये हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ सारी सबवे होती हैं सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे, तो पता चलेगा ना। आ गई भाई सबवे आ गई, रश तो बहुत है, बहुत ज़्यादा रश है। खैर अंदर जाते हैं फिर देखते हैं। तो अभी एक और स्टेशन पे हम जो है ऑलमोस्ट पहुंच गए, अब हमें यहाँ से जो है वो लाइन 8 लेनी है, और लाइन 8 वो दिखा रहा है कि ऊपर है, वहाँ से फिर हम और स्टेशन लेना। ट्रैफिक देखें यार कितने लोग हैं, सब तमीज से ट्रैवल कर रहे हैं। यही हमारे यहाँ होता तो बेड़ा गर्क, मावे कुटके यहीं पड़े हुए होते। तो ये देखें आप, सब सिक्योर है, लड़कियाँ लड़के हैं, लेकिन छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी जो है सुबह सुबह सबवे में बैठे हुए होते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा भेजने के बाद ही जो है वो ख़तरे की घंटी के, भाई बच्चे को कॉल करो कहाँ पहुँचा, उसके साथ जाओ। खैर मेरी एक और लाइन है, भाग भाग के देखते हैं फिर आपसे डिस्कस करते हैं। तो ये तीसरी सबवे भी हमें अपनी लाइन मिल गई, यहाँ से हमें पता चलेगा गाड़ी कितनी देर में आएगी। यहाँ से हमने अपना स्टेशन देखा कि हमें कौन से स्टेशन पर जाना है, उसकी सबसे अच्छी निशानी ये होती है कि जिस स्टेशन पर आप उतरें वहाँ से स्टेशन देखें कि आपका कौन मतलब कितने स्टेशन बाद है, तो ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। मैं इस स्टेशन पे उतरा था, उसके बाद 3 स्टेशन बाद जो है मेरा अपना वो वाला स्टेशन है, मैंने वो वाली भी लाइन चेक करी, वहाँ पे जो है वो कहीं और के लिखे हुए थे। जहाँ मैंने जाना था वहाँ आराम से मैं जो है अपना स्टेशन देखा, 3 स्टेशन बाद था और मैं यहाँ आ गया। चिन्ने भागे भागे आए और हम भागे भागे अंदर गए, ये सब निकलने का पहले वेट करेंगे जो निकलेगा फिर हम अंदर जाएंगे। वो ये थी जगह वो भी चली गई, यहाँ हम बैठ गए और ये मॉल आप देख सकते हैं सबवे का, दोबारा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सारा सीन है, जगह तो मिली है वहाँ पे बैठने की लेकिन फ़ायदा नहीं है, इसके बाद एक ही स्टेशन है तो क्या करेंगे बैठ के। ये देखें हम जगह ही जगह, चलो खैर बैठ गए थे एक ही स्टेशन, एक स्टेशन बैठ के देख लेते हैं कि क्या सीन है। खड़े खड़े हमारा खत्म हुआ, वो पहुँच गए लोकेशन पर जो हमें बोला गया था, अब जाके जो है वो खाली हुआ एक स्टेशन के लिए। तो क्या हुआ अब हमें, खैर एग्ज़िट बताया गया है B1, जहाँ पे हमारे दोस्तों ने हमें टाइम दिया था और हम जो है लेट हो गए। खैर कराची वाले हैं भाई, लेट उनको भी पता है और काफ़ी अर्सा हमने साथ गुजारा है तो उनको पता है कि ये कभी भी जो है वो कहीं पे टाइम पे नहीं पहुँचेंगे। तो खैर हम जाते हैं फिर आपको मॉल बताते हैं क्या सीन है सारा। कर लिया हमने यहाँ से, अब हमें B से एग्ज़िट होना है, जहाँ तक मुझे याद है तो हमें जो है 20 से एग्ज़िट होना है और हम जो है काफ़ी लेट हो गए। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम थोड़ी सी जो है वो वॉक कर लेते हैं
वरना वो भी बोलेंगे कि यार कब से इनको बुलाया हुआ है और ये इतना लेट हो गया है। ये देख सकते हैं आप माहौल B1, हम बाहर निकले हैं यहाँ से, एग्जिट मारा हमने B1 से और ये चाइना की रात आप देखें भाई। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जो जो देख रहा है सपोर्ट करें भाई को, ताकि भाई का और भी दिल करे बनाने को। अरे सीढ़ियाँ भाग भाग के सांस ही फूल गए। चेक करें आप, अब हम साइड में खड़े होके कॉल करते हैं उनको कि भाई हम यहाँ पे हैं, जो भी सीन आप बताओ। सांस ही फूल गई, कॉल करता हूँ उसको मैं। ये राइड हुआ हुआ है, उस पार जो है हमारे एक जो है शिकार दिख चुका है हमें। हाँ दो हैं। ये राइड हुआ हुआ है, ये देखें आपको माहौल भी घुमा घुमा के दिखा देता हूँ मैं। ग्रीन हो गया, अब ग्रीन के बाद जो हम हैं वो रोड क्रॉस कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारा एक शिकरा ये रहा। अस्सलाम वालेकुम, here we go। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हो अली? कैसे हो? हाँ भाई, अली भाई भी जो है वो आ चुके हैं और चले भाई, डन हो गया, दबोगला हो गया। अच्छा यहाँ पे जबाने जो हैं वो 5-6 हैं, चाइनीज, उर्दू, पठानी, पंजाबी, सब मिक्स है तो सब चलता है। खैर हम भी चलते हैं इसी के साथ। ये जो हैरी है ये मजाक कर रहा है। उसको नहीं समझ आ रही, चाइनीज बोल भाई। ये बच्चे से चाइनीज में बात कर रहा है और हम वेट कर रहे हैं सिग्नल खुलने का। आए हैं मॉल में, उसको खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है, तो यहाँ हम हल्ला गुल्ला करते हैं, बताते हैं आपको, देख लें आप। रेस्टोरेंट में आए हैं यहाँ, क्या हैरी क्या मसला हुआ है यहाँ पे? इधर हमें 1 घंटा वेट करना पड़ेगा खाने के लिए। 1 घंटा वेट खाने के लिए मतलब खत्म, जिंदगी बर्बाद, ये सीन है। तो अभी फिर क्या क्या डिसाइड हुआ है? तो अभी इंशाल्लाह लेते हैं, उसके बाद इधर उधर घूमने 1 घंटे तक, फिर दोबारा। तो ये सीन है, ये देखें आप इतने लोग वेटिंग में लगे हुए हैं, ये सारे वेटिंग में है। मैं आपको दिखाता हूँ लाइन पूरी, ये अंदर जो है वो मॉल है और ये सारा वेटिंग है। तो हमें भी 1 घंटे का टाइम मिला, देखते हैं कि यहीं पे खाते हैं या जो है हम कहीं और मूव करेंगे, जैसा होगा हम आपको बता देंगे। चलने के बाद हम यहाँ आए, अब जो है ले लेंगे, ये ले लेंगे, इसमें ये सही है, ये आग लगी हुई, आग आग लगेगी तन मन में। घूम रहे हैं हम लोग और सीन ये है कि खाने का प्लान है तो रश काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा क्या करें, जहाँ जा रहे हैं वहाँ ऑलमोस्ट 1 घंटे का वेट, 2 घंटे का वेट। तो अभी हम डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या खाएं, जो भी करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जो जो देख रहा है वो दबा दे, सही है, और जो जो गलतियां भी हैं, जो मैं गलतियां कह रहा हूँ किस तरीके से आप लोगों को देखना सही लगेगा, जो भी है वो भी मुझे बताएं कमेंट्स में, ताकि मैं उस पर भी वर्क करूं, सही है, ताकि आप लोगों को मैं ज़्यादा अच्छे से दिखा सकूं। खैर अभी हम इनको ज्वाइन करते हैं दोबारा। तो अभी जो है हम आ गए हैं, ये रेस्टोरेंट हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर खाना वाना खाएँगे और जो भी सीन होगा वो हम आपको बताएँगे। माहौल आप देखें, ये माहौल है यहाँ का, ये चाइनीज़ जो है वो गरम गरम करके खा रहे हैं। तो यहाँ हम आए हैं, अब यहाँ जो भी सीन होगा वो हम आपको जो है आगे बताते हैं। मवाद जो है वो हमारा आ चुका है, ड्रिंक्स भी ऑलमोस्ट आ गए, अब इसको जो है हमला करना है, गायब करना है। हमने शुरू कर दिया, फ्राइज से स्टार्ट कर रहे हैं, आउचे आउचे टमाटो है, पम्पकिन, बीफ स्टेक और ये चिकन है, ये दोनों चिकन है, ये श्रिंप है, ये कॉर्न। तो ये डिश है हमारी, इसका दादा जी अबा दादा बा जूसी स्टेक, ओए होए
गेम ये हाल किया हम लोगों ने। और अभी राइस आए, बाकी सब तो हमने जो है ख़तरनाक तरीके से खाया, वो आपको दिखाना भूल गए। अब ये मरेगा भाई, मरेगा। देखते हैं आपने कितनी तबाही मचाई हम लोगों ने, फुल तबाही। इस तबाही में हमारा साथ दिया है और एक जा चुका, एक भाग गया। तो ये सीन है, हम लोगों ने ये तबाही मचाई, अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और खाना बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था, और इसकी सिलेक्शन जो थी वो इस बंदे ने की थी। और बहुत ही इसको माशाल्लाह से चाइनीज़ खानों का बहुत पता है, तो इसने ये सिलेक्ट किया था खाना, और ये खाना बहुत मज़े का था। चंदा बहुत मज़े का था। तो ये सीन है, यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। ये चाइनीज़ में है और बहुत ही मज़े का रेस्टोरेंट था ये। अब हम यहाँ से जो है बाहर निकलना है, देखते हैं क्या शुगर मेला होगा। तो आज हमारी ज़िंदगी में ये काम किया गया है, समझ लो, आज हमने ये किया है, जिसमें हमने सब्वे दबा के सब्वे लिए हैं, तीन लाइनें बदली हैं, उसके बाद हमने खाना खाया है, अब हम नीचे जा रहे हैं। ये देखें आप, ये इस टाइप के रेस्टोरेंट होते हैं यहाँ पे। चाइनीज कल्चर, ये एग्जिट है। बाहर जाने से पहले हमने सोचा कि ज़रा अपने आप को भी सेट वेट कर लें, तो ये देख सकते हैं आप, ये जैकेट शैकेट पहनी हुई हमने। सही लग रहा है, सही लग रहा है आपका भाई, बताएं ज़रा। ये जैकेट जो है वो चाइना का माल है। बाकी जो जो वीडियो देख रहा है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करता है। ये वॉशरूम का सीन है, वो यहाँ पर फुल मज़ा है। यहाँ एक सेल्फी भी ले लेता हूँ आपका। देख सकते हैं आप सामने क्या खड़ी हुई है, रानी महारानी टेस्ला। तो ये टेस्ला का शोरूम चेक कर सकते हैं आप। बेबीज कितनी ख़तरनाक लग रही हैं, हश पपीज यार, इससे तो मुझे नफरत है। इसकी चप्पल मैं लेके दो पेयर लेके आया था मैं, इतनी बेकार निकली, इतनी बेकार कि मैं चल चल के मेरा मतलब मैं पहनता था और किचन में फिसलता ही रहता था कि लोग कहते थे भाई इसको चप्पलों को ख़त्म करके जो है वो करो। अबे भाई ये क्या है, ये कौन सा ज़िंदगी का खिलौना है, चेक कर सकते हैं आप। ये तो भाई बहुत ज़्यादा ही नोट उड़ा रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या चाह रहा है, इतनी इसके हाथ में घड़ियाँ हैं। बॉल से जो है हम बाहर आ गए, अब बाहर देखते हैं क्या सीन होगा, जो भी एक्टिविटी होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देखें सामने हीटर लगा हुआ है, ओपन हीटर, ये सीन है, ये माहौल है, ये नाइट लाइफ है चाइना की। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और छोटे छोटे लोग, ये जिंदगी है ये है भाई, चेक कर सकते हैं आप। बुर्ज खलीफा का छोटा भाई। तो अभी हम आए हैं कराची कैंट, कराची कैंट पे ट्रेन जो है वो किसी ने रोड पे रख दी है। अभी हम बात करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई ये जो ट्रेन है ये पटरियों पे चढ़ाओ, ये यहाँ जो है आपने गलत रख दी है, चेक कर सकते हैं आप। वो कैंट की तरफ ही एक वो रेस्टोरेंट नहीं बना हुआ, रेस्टोरेंट जो बना हुआ है वहाँ पे, उसके अंदर बोगी के अंदर जो रेस्टोरेंट बने हुए होते हैं, ये वही वाला सीन है। बस ये चाइना में कर दिया इन्होंने। ये स्ट्रीट देखें आप कितनी मज़े की है, ये लाइट यहाँ पे है, गैस भी है, ये सीन है, चेक करें आप। तो आप लोगों ने बहुत सारे खाए होंगे, ये वाला बर्गर चेक करें, इतना बड़ा बर्गर, इसका तो एक पीस भी मेरे मुंह में नहीं आ रहा। ये चेक कर सकते हैं आप कितना बड़ा बर्गर है, लाइक यहाँ से मैं करूँगा तो कितना बड़ा बर्गर। ये भी जगह बड़ी मज़े की है, यहाँ पे पिक्चर्स विक्चर चल रही हैं, यहाँ हमने भी फोटोग्राफी की है। ये स्ट्रीट जो है वो बहुत ही कोई कमाल की है। इस स्ट्रीट को जो भी नाम आप लोग दे सकते हैं वो कमेंट में ज़रा लिख के ज़रूर बताइएगा, इसको क्या नाम दें इस स्ट्रीट को, इस जगह को। यार कितनी प्यारी जगह है, चेक कर सकते हैं आप लोग। कितने पैसे देंगे आप इस जगह को,
ये मैकेनिक काम कर रहे हैं अभी, आई थिंक ये ब्रेक पे हैं, थोड़ी देर बाद जो है वो काम करना शुरू कर देंगे। इंजन रख दिया इन्होंने भाई। ये भी जगह बड़ी प्यारी है फोटोग्राफी के लिए, लेकिन यहाँ पे रश बहुत है, चेक कर सकते हैं आप। देखें यहाँ पे ऑलरेडी फोटोग्राफी चल रही है। नहीं बताता हूँ, हाँ बताता हूँ, बता देता हूँ तुम लोगों को। तो ये छंगदू, ये हम आए हैं यहाँ फोटोग्राफी करेंगे, यहाँ ऑलरेडी फोटोग्राफी चल रही है। खैर हम भी जो है वो फोटोग्राफी करेंगे। तो सीन ये है कि ये जो जगह मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं फोटोग्राफी। जगह जो है बहुत मज़े की है, लेकिन आपका भाई काला इतना है तो वो सही से जो है वो पिक्चर आ नहीं पा रही। खैर कोशिश नहीं, कर लेंगे हम कुछ ना कुछ एडिट पे गुजारा कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये फोटोग्राफी चल रही है और हम जो है वो भी फोटोग्राफी कर रहे हैं। स्ट्रीट आप देख सकते हैं कितनी मज़े की है, और लोग जो है वो अपनों में ईद मनाने आए हुए हैं, यहाँ पे अपनों में ईद मनाने आए हुए हैं। तो ये सीन है सारा। खैर हम दिखाते हैं आपको, कोशिश करेंगे कोई अच्छी सी फोटोग्राफी करके वो पिक्चर हम इसमें लगाएं और फिर आपको दिखाएं। तो यहाँ पे भी हम फोटोग्राफी करेंगे इनके बाद, ये लोग पहले फोटोग्राफी करना। करें कितनी मजे की जगह है। देखें आप लोग, सीन ये है कि अब हम जा रहे हैं वापसी। आपने देखा होगा कितनी हमने तफरियां करी और फोटोग्राफी भी ठीक ठाक की, सही एंजॉय किया हमने। अब जो है हम वापस जा रहे हैं, वापसी का भी वही है, तीन लाइनें हमने सबवे की लेनी है, सबवे के बाद फिर हमारा घर आएगा। तो चलते हैं, पहला गेट हमारा वही आ गई, आ गई आ गई, बैठते हैं। पहुँच गए हम एक और लोकेशन पे अपनी, अब यहाँ से एक और लाइन बदलनी है हमने। फ्री में भी हम आ गए, ये सामने लिखा हुआ लाइन थ्री, ट्रेन भी हमारी आ गई। ये जा देखो, जगह मिलती है बैठने की, नहीं मिलती, और ये नहीं है कोई जगह नहीं। भी हमारा आखिरी जो हमारा क्या था वो भी आ गया। अब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और ये हमारे निकलने का रास्ता है। यहाँ से स्कैन करके मैंने बाहर निकलना, मैंने आपको बताया था ना, एक दफ़ा आप जब अंदर आ गए तो सारे स्टेशन पे घूमते रहेंगे, फिर जब आखिरी स्टेशन होगा यहाँ से आपके पैसे कटेंगे। यहाँ से मैं अपना मोबाइल लगाऊंगा, मेरे पैसे कट जाएंगे। यहाँ से मेरे पैसे कटवाएं अपने, जो भी ट्रैवल किया, तीन स्टेशन के पैसे जो है वो पीछे जब मैंने QR लगाया तो वो कट गए। अब हम सी एग्जिट से बाहर निकल रहे हैं, जो कि हमारे घर का रास्ता है। वॉशरूम वगैरह भी यहाँ पर होते हैं सारी चीज़ें, और उनके लिए लिफ्ट भी होती है, पैरालाइज लोगों वगैरह के लिए जो बेचारे नहीं चल सकते, उन सब का ख्याल रखा जाता है भाई। बहुत ऊपर जाना है, ये देखो कितनी ऊपर जाएगी। बाहर निकल गए, देख सकते हैं आप, ये एग्जिट हमने ले लिया। अब यहाँ से हम जो है अपने घर की तरफ जाएंगे। तो आज ये थी हमारी सारी एक्टिविटी जो हमने आपके साथ शेयर करी। अब मैं जाऊंगा, मोबाइल वगैरह चार्ज पे लगाऊंगा, वीडियो एडिट भी करनी है। अब आपने जो काम करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब, और एक अदद बेल आइकन होता है वो दबा दें, ताकि जो भी मेरी नई आने वाली वीडियो है वो आप सब तक सबसे पहले पहुँच जाए। और आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर दबा के करना है, बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए ताकि मुझे भी काम करने में मज़ा आए। अब ये देखें पूरा कारपेट, अब मैं जो हूँ वो कारपेट पे चल के घर जाऊँगा। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए गेम के साथ। अल्लाह हाफिज़।